ये हैं कंप्यूटर बाबा, ऐसे बाबा जो कभी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं तो कभी सरकार के साथ नजर आते हैं। दावा किया जाता है कि धर्म के साथ साथ एमपी की राजनीति में इनका अच्छा खासा रसूख है। कंप्यूटर बाबा बहुत साफ सुथरे आदमी है और वो जिसका भी प्रचार करते हैं उसको फायदा होता है। संत हो, बाबा हो, गृहस्थ हो, नेता हो, जिनकी बात में धाक और साख है, जिनकी समाज में, उनका ही असर पड़ता है। एमपी में जब शिवराज सिंह की सरकार थी तो कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और अब जब सूबे में कांग्रेस की सरकार है तो कंप्यूटर बाबा कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, ये कंप्यूटर बाबा जैसे संत क्यों हैं राजनीति की मजबूरी? क्या इनके भक्त राजनेताओं को वोट बैंक समझते हैं? क्या राजनेताओं की चुनावी मजबूरी होते हैं बड़ा प्रभाव रखने वाले संत और महापुरुष? इन सवालों का जवाब जानने के क्रम में सबसे पहले कंप्यूटर बाबा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा का क्या प्रभाव है? अगर है तो वो प्रभाव किन किन इलाकों में है? लोकसभा या विधानसभा की कितनी सीटों को प्रभावित करने का दम रखते हैं कंप्यूटर बाबा? और क्या कंप्यूटर बाबा चुनाव में जीत का आशीर्वाद देते हैं? सवाल के जवाब में सबसे पहले कंप्यूटर बाबा की कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जो उनकी सियासी नजदीकियों और रसूख का सबूत मानी जाती है। मध्य प्रदेश की सियासत के कई बड़े चेहरे आपको कंप्यूटर बाबा के साथ नजर आ जाएंगे, पर क्या नेताओं के साथ तस्वीरें इस बात का सबूत मानी जा सकती हैं कि कंप्यूटर बाबा वोट बैंक रखते हैं और वो राजनेताओं के काम आता है? उनकी शख्सियत का वो कौन सा पहलू है जो इन्हें इतना रसूखदार बनाता है? सवाल के जवाब के लिए हमने स्थानीय पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया से बातचीत की। राजनेता चुनाव के मौकों पर बाबाओं को बड़ा साधने की कोशिश करते हैं। जिन कंप्यूटर बाबा की आप बात करते हैं, जब वो शिवराज सरकार में उनको जब राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, कुछ और बाबाओं को दिया गया था, उसके पहले उन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ एक यात्रा निकालने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नर्मदा किनारे हम यात्रा करेंगे, जो वृक्षारोपण हुआ है और जो रेत की चोरी हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार डर गई और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, उन्होंने कहा नहीं हम तो मंत्री बनेंगे, हमें गनमैन भी मिलना चाहिए, गाड़ी भी मिलना चाहिए। जब वहां से नहीं मिला तो वो कांग्रेस के साथ हो गए। कांग्रेस की सरकार मिल गई, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। नर्मदा के तट पर पोलखोल यात्रा की धमकी से किसी के डरने का आधार क्या हो सकता है? क्या नर्मदा से लगे तटवर्ती इलाकों में कंप्यूटर बाबा को मानने वाले लोग रहते हैं जो बाबा की बात पर यकीन करते हैं? तो इस जवाब से पहले समझ लें कि नर्मदा के तटवर्ती इलाकों का राजनीतिक भूगोल क्या है। मध्य प्रदेश में करीब 125 विधानसभा क्षेत्र नर्मदा के आसपास आते हैं और 50 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव में नर्मदा से जुड़े मुद्दों का सीधा असर होता है, यानी नर्मदा के प्रति तटवर्ती इलाकों के वोटर में गहरी आस्था। ताजा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा यात्रा और कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा इसकी पुष्टि भी करती है। नर्मदा आस्था का विषय, पर कंप्यूटर बाबा का असर कितना है ये जानने के लिए हमने स्थानीय पत्रकारों की राय ली। कंप्यूटर बाबा ने जैसे कि नमामि देवी नर्मदे यात्रा जब शिवराज सिंह चौहान ने निकाली और हजारों पेड़ जो है वृक्षारोपण उन्होंने नर्मदा जी के किनारे लगाने की जब बात कही थी, और कंप्यूटर बाबा ने कुछ इस तरह की बातें बताई लोगों के बीच में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसके बाद सरकार ने कुछ उनसे शायद जो भी समझौता हुआ हो, लेकिन निश्चित रूप से कंप्यूटर बाबा का जो प्रभाव है वो पिछले जब उनकी जो उन्होंने अपने जो धार्मिक सम्मेलन किए उसकी भीड़ देखकर लगता है कि कुछ प्रभाव होगा। लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, जब धर्म की राजनीति होने लगती है तो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, जब ये बाबा अलग से अपने, इनको भ्रम हो जाता है कि ये बहुत बड़े इनके इनका वोट बैंक है तो चुनाव लड़ते हैं, तो इनकी अक्सर दुर्दशा हो जाती है। कंप्यूटर बाबा के चुनावी रसूख पर जानकारों की राय बटी हुई दिखी, तो हमने सीधे जनता से बात की कि उनकी क्या राय है कंप्यूटर बाबा के असर और वोट बैंक के दावे पर। बराबर असर पड़ता है बाबाओं का, क्योंकि भारतीय संस्कृति, साधु संतों की संस्कृति, तीज त्योहारों की संस्कृति, उत्सवों की संस्कृति कहलाती है, तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से साधु संतों का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कंप्यूटर बाबा से कोई फर्क नहीं है, और बाबा और भी हैं, वो
उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वोट जहाँ दें ना वहाँ दें, नहीं कोई उनसे कोई फर्क नहीं आएगा। पब्लिक ही जहाँ मर्जी मानेगी वहीं तो वोट देगी, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देगी। साधु महात्मा हुए, मौलवी हाफिज हुए, ये एक समाजों से जुड़े हुए हैं, समाजों के गुरु हैं। अब गुरु जो अपने उससे कहेगा शिष्य से, उसको मानना पड़ेगा। इस टाइप से लोग मानते हैं गुरु की बात। हाँ फर्क पड़ेगा भाई, उनके हजारों लाखों लोग उनके फॉलोवर हैं, तो फॉलोवर की बात मानेंगे वो, क्योंकि वो शिक्षा देते सही, बुरी शिक्षा तो कोई देते नहीं, एकता और अखंडता की बात करते हैं। तो आपके मेरे विचार जैसे मिल रहे हैं तो वो विचारों के ऊपर मतदान करेंगे। कंप्यूटर बाबा और नर्मदा के रिश्ते के बीच आपको मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन की खासियत को बताते हैं। 98,976 वर्ग किलोमीटर में फैला है नर्मदा बेसिन। ये मध्य प्रदेश के 51 में से 24 जिलों को छूता है। नर्मदा पर ही वो सारे बांध हैं जिनसे मध्य प्रदेश को बिजली और सिंचाई के लिए पानी का बड़ा हिस्सा मिलता है। करोड़ों लोगों की जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा इस नदी से जुड़ा है। पश्चिम मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई में बड़ी संख्या में आदिवासी और दलित आबादी। बताया जाता है कि इनमें बड़ी तादाद में कंप्यूटर बाबा के भक्त भी हैं। देखिएगा, यही तो बात है कि हजारों लोग हमारे हैं, लाखों की संख्या में हमारे भक्तजन हैं, और हजारों संख्या में हमारे संतजन गुरु भाई हैं, साधु समाज हैं। हम सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आगे सनातन धर्म में कोई अच्छा काम होता वो करते रहते हैं। और लाखों के हिंदुओं की संख्या में हमारे भक्त के साथ में शिष्य हैं, भक्त हैं बहुत सारे लोग, और वही उनकी मनसा है कि जब धर्म में कुठाराघात होता है तो ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है, और इन अन्याय सहने के लिए आज हम लोग जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो बेचारे ये तो सीधे साधे सरल जो हैं वो चुप रहेंगे। हमारे साधु समाज में बहुत सारे संत हैं जो भजन करते हैं, पर उनको भजन भी नहीं करने दिया जाता है, इतनी ज्यादती की जाती है। अब हमने कंप्यूटर बाबा से सीधे ही सवाल पूछ लिया कि धर्म से जुड़े संत का राजनीति से कनेक्शन का मतलब क्या है। राजनीति में नेता लोग झूठ बोलते रहे, और साधु समाज, हिंदू समाज ठगा सा महसूस करता रहा, इसलिए अब ऐसा लगा कि साधु संतों को भी राजनीति में आना पड़ेगा और खुद अपनी बात को रखना पड़ेगी, क्योंकि यदि खुद आएंगे तो रख पाएंगे। ये कहने से यदि हम कहते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, सामने वाले बोलते हैं नेता लोग के ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं। तो समाज संत समाज ने सोचा कि अब राजनीति में खुद को आकर के खुद को कूदना पड़ेगा, और जो बात भी मनवाना धर्म की बारे में जो भी बात मनवाना है वो संसद में ही रखना पड़ेगी, विधानसभा में ही रखना पड़ेगी, और उस बात को पारित करना पड़ेगा। कंप्यूटर बाबा दावा कर रहे हैं कि उनके पास भक्तों की लंबी कतारें हैं, और इसी भक्तों की कतार को कांग्रेस वोट बैंक के तौर पर देख रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि चुनावी दंगल में कंप्यूटर बाबा का रसूख उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने में मदद करेगा। देखिए, हर आदमी के चुनाव में प्रचार प्रसार से फर्क पड़ता है, चाहे वो बाबा हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, सबके चुनाव, क्योंकि उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए उनका असर पड़ता है। और वो कैसा बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, उसका भी बड़ा लोग ध्यान से सुनते हैं और लोगों के ऊपर उसका असर होता है। कांग्रेस को कंप्यूटर बाबा से करिश्मे की उम्मीद है, वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव में कंप्यूटर बाबा का किसी भी तरह का फैक्टर काम नहीं आएगा। इससे असर नहीं पड़ता कि कोई महज कंप्यूटर बाबा है या ग्रस्त है। सवाल है कि उनकी विश्वसनीयता कितनी है और उनका अतीत कैसा रहा है, वो अतीत में किन बातों के लिए जाने जाते रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार ये जनता आकलन करती है अपने तौर पर। हर किसी के अपने अपने दावे हैं। कोई चुनाव में कंप्यूटर बाबा को फैक्टर बता रहा है तो कोई कह रहा है कि चुनाव में जनता ही सब कुछ है, पर ये तो देश और प्रदेश की जनता ने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कंप्यूटर बाबा को अपने पक्ष में लाने की जी तोड़ कोशिश करते आए हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।